नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर एक आपके लिए लेके आए मॉक टेस्ट आपके लिए। तो सारे विद्यार्थी इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करना भाई, और जो भी हमारी क्लास में नए जुड़े हैं दोस्तों, सभी से निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। तो आज के सेशन को शुरू करते, तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने जो भी क्वेश्चन का आपको राइट उत्तर लगता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे पहले हमने लास्ट यानी कि जो मॉक टेस्ट पढ़ा था उसका लास्ट जो अपना क्वेश्चन था वह यह दिया गया था कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है यह कहां पे पड़ता है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है दोस्तों, यह आपको बताना है इसका राइट उत्तर क्या है। ऑप्शन में दिया गया है वाराणसी, कोयंबटूर, आपके रुड़की और बेंगलुरु। फटाफट से कमेंट करें सारे विद्यार्थी, यानी कि जो आपका टेस्ट नंबर मॉक टेस्ट, अगला जो मॉक टेस्ट है उसकी शुरुआत हो चुकी है आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित कहाँ पर है। तो यार की राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान देना है आपको कोयम्बटूर। क्या करोगे इसका राइट उत्तर, आपको कोयम्बटूर बताना है। कोयम्बटूर पड़ता कहाँ पे दोस्तों, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक राज्य पूछ लेता है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक होता है। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश। और चीनी बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो क्या होता है आपके, गन्ना। जबकि चीनी उत्पादन में अगर बात की जाए या चीनी जो सर्वाधिक मिले वो कहाँ पे पड़ती है, महाराष्ट्र में। इसके दृष्टि से अगर पूछ लिया जाता है कि चीनी उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा महाराष्ट्र में। लेकिन कई बार ये प्रश्न आता है कि गन्ना उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तब आपको राइट उत्तर क्या करना पड़ेगा, ब्राजील। दूसरे नंबर पे आपको किसको बताना पड़ेगा, भारत में। अगर अक्सर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की किस फसल की सिंचाई ज्यादा होती है, तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गन्ना। ठीक है ना, तो याद रखना गन्ना एक क्या है, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, आपको बांस नहीं बताना, गन्ना एक प्रकार के क्या है, घास की श्रेणी में आता है। तो गन्ना किसकी श्रेणी में आता है, घास की श्रेणी में आता है। गन्ना किस प्रकार की फसल के अंतर्गत गिना जाता है, तो याद रखना गन्ने की जो बुआई है और ये जो कटाई है ये डिपेंडेड आपके ऋतु के अकॉर्डिंग नहीं है, लगभग 15 महीनों की फसल चलती है। तो आपको इसको नकदी फसल में याद रखना, किसमें भैया, नकदी फसल। तो नकदी फसल का उदाहरण आपको याद रखना, जिसका उत्पादन क्या है, आर्थिक सहायता में बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का जो अपना राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन संख्या एक का जो अपना उत्तर मिलेगा वह ऑप्शन संख्या आपके बी बिल्कुल राइट है, यानी कि मॉक टेस्ट का हमने पहला पहला क्वेश्चन देख लिया जिसका बी राइट है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची पीक है या चोटी है इसका नाम बताना है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी आती है दोस्तों, ये ध्यान देना, इस चोटी का जो नाम है ये आपके तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल के अंदर है। कहां पे पड़ती है, केरल में। इस चोटी की जो हाइट है वो ध्यान देना 2695 मीटर इस चोटी की हाइट है, और यह है चोटी आपके पश्चिमी घाट के जो अन्नाई मलाई की जो पहाड़ियां पड़ती है उसके ऊपर विराजमान है, जिसका नाम आता है अन्नामुड़ी। क्या नाम आता है दोस्तों, अन्नामुड़ी। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम आता है डोडा बेटा। क्या आता है, डोडा बेटा। अगर आपसे पूछ लिया है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो डोडा बेटा आपको बताना है। जबकि दक्षिण भारत की पहली चोटी की अगर बात की जाए तो अन्नाईमुड़ी, याद रखना आपको ये राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, यानी कि प्रश्न संख्या दूसरे का भी उत्तर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल राइट है, यानी कि मॉक टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन देख लिया हमने। अगले क्वेश्चन को देखिए, और सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में इतने बताओगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन में इतने राइट थे, यानी कि शुरुआत के 10 क्वेश्चन में आपके राइट कितने होते हैं, फिर 20 क्वेश्चन में आपके राइट कितने होते हैं, 30 में कितने होते हैं, इस प्रकार आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पर जो भी पहली बार आया दोस्तों हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, इसी प्रकार का अपडेट आपको मैटर आपको मिलता रहेगा। तो 15 अगस्त 1947 को भारत में अपनी आज़ादी का प्रथम जो जश्न है ये कहाँ पर बनाया गया था, यानी कि 1947 को यानी कि भारत क्या हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना, यानी कि आजाद। और 15 अगस्त को हम क्या बनाते हैं आपके, स्वतंत्रता दिवस बनाया था, लेकिन देश का पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। और इसका जो पहला जश्न बनाया गया था, याद रखना अगर आपको जश्न पूछ ले ये जश्न कहाँ पे बनाया गया था, तो राइट उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो वानखेड़े स्टेडियम वो तो मुंबई में पड़ता है, ईडन गार्डन जो स्टेडियम है ये कहाँ पे पड़ता है, तो ईडन गार्डन स्टेडियम याद रखना ये आपके पड़ता है कोलकाता में। साल्ट लेक स्टेडियम भी कहाँ पड़ता है, कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल
संस्था भी कहाँ पड़ती है? कोलकाता में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली के किनारे, याद रखना। और आपको ध्यान याद है, गैलेस्टर नामक एक जगह पड़ती है जहां पे देश की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना भी कहाँ की गई थी? कोलकाता। कोलकाता देश में सबसे पहले हाईकोर्ट भी बना था, जो ब्रिटिश के अधीन बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स न्यायालय बोलते हैं, जो बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट देश का एक स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट बना, जो दिल्ली में बना 1950 के अंदर। लेकिन देश में हाईकोर्टों में सबसे पहले हाईकोर्ट कहाँ पे बना था? कलकत्ता, मद्रास और आपकी मुंबई में 1862 में आपके तीन हाईकोर्ट बनाए जाते हैं। तो यानी कि तीसरे क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन संख्या आपके ए बिल्कुल राइट है मेरे भाई। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक का नाम बताना है। इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक का नाम बताइए। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या लाला लाजपत राय? तो राइट उत्तर इसका बताइए। तो इसका राइट उत्तर जो उत्तर मिलेगा दोस्तों, ये आपको 1923 में याद रखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इस क्वेश्चन का राइट उत्तर इस ऑप्शन में नहीं है, बाय मिस्टेक क्वेश्चन है, इसको आप रीड मत करना, इससे अगले क्वेश्चन को देख सकते हो। बारदोली सत्याग्रह के समय में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपको सभी को पता होना चाहिए गुरुजी, ये गुजरात में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो याद रखना, ये आपके 1928 में किया था, और यहाँ की महिलाओं के द्वारा उस व्यक्ति को सरदार की उपमा दी गई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कहा जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो सरदार पटेल आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन संख्या आपके 4 का राइट उत्तर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। फटाफट से सारे विद्यार्थी इतना बता दो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? बताइए भाई फटाफट से। और सभी विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, ये याद रखना। और इनका संबंध अगर आपसे पूछे तो किस राज्य से बताना है? गुजरात से बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले क्या बने थे? गृह मंत्री। क्या बने थे दोस्तों? गृह मंत्री। और उप प्रधानमंत्री कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न में देखिए क्या देखिए, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर एक गणेश चतुर्थी यानी कि गणपति उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन संख्या 5 का राइट उत्तर आपको बताना है दिए गए 4 ऑप्शन में, फटाफट से कमेंट करके बताइए। यानी कि जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ, लेकिन महाराष्ट्र से दो चीजें याद रखना, एक तो महाराष्ट्र में कुछ गुफाओं के नाम पूछे जाते हैं, जैसे कनेरी की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं। ये सभी गुफाएं आपको कहाँ देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य का जो गठन किया गया था, ये 1 मई 1960 को किया गया था। 1 मई 1960 को दो राज्यों का गठन होता है, एक महाराष्ट्र का और एक गुजरात का। इससे पूर्व ये सौराष्ट्र क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे। बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक लावणी और तमाशा लोक नृत्य बहुत फेमस है। ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि लोक नृत्य तमाशा और लोक नृत्य लावणी ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। और एक प्रश्न याद रखना कि भारत की जो आर्थिक राजधानी है, जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, यानी कि वित्तीय राजधानी, किस शहर को कहा जाता है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल याद रखनी है आपको मुंबई को। और एक प्रश्न याद रखना, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र में। उस बंदरगाह का नाम बताना है तो आप बताओगे सर उसका मुंबई है। और एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, मुंबई आपके किसी नदी के किनारे नहीं है, मुंबई सालसेट द्वीप के ऊपर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप के ऊपर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का जो आपका राइट उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक। एक बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 के अंदर आपके होम रूल की स्थापना की जाती है। अक्सर प्रश्न आता है कि होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक में कहां पे की थी? पुणे में की थी। जबकि होम रूल की जो स्थापना की गई थी मद्रास में, वो किसके द्वारा की गई थी? एनी बिसेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो बाल गंगाधर तिलक का एक उपनाम आपको याद रखना है लोकमान्य। तो लोकमान्य किसे बोलाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम आता है गीता रहस्य। क्या नाम आता है? गीता रहस्य। ये आपको ध्यान देना है।
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक नारे, एक वचन, एक कोटेशन दिया गया था कि स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। ये बात यानी कि ये नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान देना, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न का राइट उत्तर देखते हैं भाई क्या मिलेगा आपको, फटाफट से मॉक टेस्ट का अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया? आपने देखा होगा कि सर महात्मा गांधी के कई उपनाम हमें देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार से महात्मा गांधी को महात्मा की उपमा दी गई थी। याद रखना, महात्मा गांधी को महात्मा जो कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे वह रविंद्रनाथ टैगोर, आपको ध्यान देना, 1917 में ये बात बताई गई थी। वहीं पे याद रखना है कि महात्मा गांधी को बापू की जो संज्ञा दी गई थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। वहीं पे आपसे कई बार पूछा था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे सर्वप्रथम, तो 1944 में राष्ट्रपिता की जो उपमा दी गई थी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दी गई थी। लेकिन महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की जो संज्ञा दी गई वो किसके द्वारा दी गई? तो यह याद रखना, विंस्टन चर्चिल के द्वारा इसको दी गई। तो इस प्रश्न का अपना राइट उत्तर क्या मिलेगा? क्वेश्चन संख्या आपके सिक्स्थ का राइट उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि विंस्टन चर्चिल के द्वारा इसे कहा गया। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? तो सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में लिखने का कार्य करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिए गए। संविधान सभा की प्रथम बैठक, आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान निर्माण में काफी समय लगा था और लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया था। उसी के दौरान संविधान निर्माण में लगभग 166 बैठकें होती है। कितनी बैठकें होती हैं? 166 बैठकें होती हैं, जबकि संविधान निर्माण में कुल अधिवेशन पूछे आपसे वो कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। उस 12 अधिवेशन में से आपसे पूछ रहा है कि प्रथम अधिवेशन या जिसे हम प्रथम बैठक के रूप से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर आपको बताना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ध्यान देना दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक में एक क्वेश्चन आपसे नया पूछता है कि संविधान निर्माण की प्रथम बैठक का जो एक अध्यक्ष चुना गया था वो किस प्रकार का अध्यक्ष था, स्थायी था या अस्थायी था, तो आपको बताना है कि संविधान निर्माण की जो प्रथम बैठक थी सर उसका जो प्रथम अध्यक्ष चुना गया था वो अस्थायी था, जिसका नाम आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था बुजुर्ग होने के कारण, यानी कि संविधान निर्माण की पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए थे और ये बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को आपके दिल्ली के संसद भवन, जो पुराना संसद भवन उसके केंद्रीय कक्ष में ये आयोजन हुआ था। सुबह 11 से शाम को 5 बजे तक ये बैठक चली थी। तो इस प्रश्न का यानी कि क्वेश्चन संख्या 7 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके, ए ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात की जाए तो संविधान निर्माण की आपके जो दूसरी बैठक हमें देखने को मिलती है 11 दिसंबर 1946 को, तो उसका जो स्थायी अध्यक्ष यानी कि अस्थायी से जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिसे बिहार का गांधी के नाम से जाना जाता है। यंग तुर्क नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देखिए, क्वेश्चन संख्या 8वें का उत्तर आपको राइट बताना पड़ेगा बिल्कुल। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, संविधान सभा के दौरान कई कमेटियों का गठन किया गया था, जिसमें से आपके जो प्रमुख कमेटियां थी वो लगभग आपके 13 प्रमुख कमेटियां थी, लेकिन 24 कमेटियों का गठन किया गया था। इन कमेटियों में से आपसे पूछ रहा है कि एक कमेटी का नाम है जिसे हम अंग्रेजी में ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, जिसे पांडुलेखन समिति कहा जाता है, इसे आपके मसौदा समिति भी कहा जाता है, जिसे हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुल सदस्यों की अगर बात की जाए तो कुल सदस्य 6 थे, जबकि अध्यक्ष सहित इसके अंदर आपके टोटल जो सदस्य आपसे पूछ लेता है वो 7 सदस्य आपको बताने पड़ते हैं। तो प्रारूप समिति की अगर बात की जाए तो प्रारूप समिति का जो पहला अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो इसका अध्यक्ष आपका राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों के एक मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, जिसे हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 32 को। कई बार प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब मौलिक अधिकार मत बताना, भारतीय संविधान की जब आत्मा पूछे तो प्रस्तावना को बताना, यानी कि प्रेम्बल उद्देशिका को बताना, क्योंकि इस
बात कहने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम आता ठाकुर भार्गव दास। तो ठाकुर भार्गव दास ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे बताया है? तो आप बोलोगे प्रस्तावना को। किसे बताया है? प्रस्तावना को बोलोगे। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि बी आर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को भाग संख्या 3 को मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिका यानी कि रिट को जारी करवा सकते हो। अगले प्रश्न को देखें दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि जनगणमन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो क्वेश्चन संख्या 9 का जो राइट उत्तर होगा वो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि 1950 में या 1952 में, 1948 में, 1947 में। भारत का जो राष्ट्रीय गान है आपने देखा होगा, इसको गाने के लिए समय अवधि चाहिए आपके 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को जो शुरुआत में गाया गया था, ये गाया गया था आपके 1911 के दिल्ली दरबार में, और जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी के स्वागत में 27 दिसंबर को यह गाया गया था। राष्ट्रीय गान की जो रचना की गई थी दोस्तों, ये की गई थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रीय गान को गीतांजलि पुस्तक के द्वारा लिया गया, और इसी गीतांजलि पुस्तक की रचना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर को इंटरनेशनल लेवल पे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो एशिया के पहले व्यक्ति साहित्य क्षेत्र में, और भारत का पहला व्यक्ति साहित्य क्षेत्र बोले चाहे कैसा भी क्षेत्र बोले, तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार लाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। तो आपका राइट उत्तर यहां पे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यही लिखा गया था। और भारतीय संविधान निर्माण की अंतिम बैठक या जिसे हम 12वां अधिवेशन बोलते हैं, जो 24 जनवरी 1950 को गठित होता है, इसके तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 घोषणाएं की गई थी। एक देश का राष्ट्र अध्यक्ष होगा जिसे हम राष्ट्रपति बोलेंगे, एक देश का राष्ट्रीय गान होगा जिसे हम जनगणमन के द्वारा जानेंगे, और एक राष्ट्रीय गीत होगा वंदे मातरम। इन तीनों की घोषणा 24 जनवरी 1950 को की गई। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए इसका बिल्कुल राइट है। जितनी भी बातें मैंने आपको रिपीट कर रही हैं, ये बोल के बताई हैं, तो वीडियो को आराम से स्लो स्लो में आप देखकर इनके नोट्स बना सकते हो दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? भारत और पाकिस्तान सीमांकन का मतलब है कि इससे ये पता चलता है कि इस भूभाग के उस साइड पाकिस्तान है, इस भूभाग के इस साइड आपके क्या मिलेगा, आपको भारत देखने को मिलेगा। तो इनके बीच में जो एक अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिकल बाउंड्री का निर्माण करवाया था, वो किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था? हालांकि याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक पॉलिटिकल बाउंड्री लगती है जिसे सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा बनाया गया था। आपके 17 अगस्त 1947 को उसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना गया दोस्तों। जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, इसके मध्य भी होती थी बोला है मैंने, आज नहीं है, जबकि ये आज वर्तमान में आपको मुख्य पाकिस्तान और भारत के साथ देखने को मिलती है, जिसका नाम आता है आपके रेड क्लिफ रेखा, और सर सीलर रेड क्लिफ रेखा के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। तो ऑप्शन संख्या सी राइट, यानी कि अभी तक हमने मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन को लगाया, और 10 क्वेश्चन में फटाफट से कमेंट करके इतना बताओ कि आपके 10 क्वेश्चन में राइट क्वेश्चन कितने हैं, फटाफट से बताइए, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी देखने का कार्य किया है दोस्तों। फटाफट से बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। तो जितने विद्यार्थी सेशन में ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से अपने साथियों को बोलिए कि सेशन स्टार्ट हो चुका है मॉक टेस्ट, तो फटाफट से क्लास को लगाइए भाई साहब। जब आपके लिए मैं इतना डेडिकेशन होकर डेली आपके लिए मॉक टेस्ट या आपको स्टैटिक जी के पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट के क्वेश्चन आपको करवाता हूं, तो आपका एक ही फर्ज या एक ही कर्तव्य बनता है कि जो भी आपको मेटेरियल करवाया जाता है इस ऑनलाइन प्यारे से मंच पर, तो आप उसको अटेंड करें भाई, क्योंकि ये आपके लिए करवाया जा रहा है। आगामी जितनी भी भर्ती आप देखोगे, जैसे हो सकता है रेलवे हो सकती है आपके लिए, डिफेंस का कोई क्षेत्र हो सकता है, डिफेंस में जैसे एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, आपके एनडी हो गया, तो वहीं पे तो जीएस होता है दोस्तों, कोई अलग से तो जीएस तो आपको मिलेगा नहीं, तो वही जीएस देखने को मिलेगा। तो साथ साथ में जो लेटेस्ट चल रही है, यूपी पुलिस हो गया, आपके एसएससी जीडी हो गया, तो आगामी भर्तियों के लिए और अभी की जो भर्तियां चल रही है उनके लिए इंपोर्टेंट क्लासेस हैं। मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो आपका भी तो एक फर्ज बनता है। तो सेशन को दबा के आप शेयर करें, वीडियो अगर पसंद आती है तो आपको लाइक करके कमेंट करना है। जो भी चैनल पे नए बनते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्न में क्या दिया गया, तो आपका राइट उत्तर हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेडक्लिफ रेखा का सीमांकन किया था गुरुदेव, वह सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, जो इंग्लैंड के एक वकील के रूप में कार्य करते थे उस समय।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को, कैबिनेट मिशन योजना कब बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन योजना क्वेश्चन संख्या 11 यानी कि मॉक टेस्ट का 11वां जो क्वेश्चन आपके सामने है, कैबिनेट मिशन योजना का गठन किस वर्ष किया गया था? ममता हमारे बीच में जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग ममता, सेशन को दबा के शेयर करें आप। कैबिनेट मिशन योजना का जो गठन किया गया था वह 17 मार्च 1947 को, फरवरी 1946 को, अगस्त 1944 को या सितंबर 1945 को? कैबिनेट मिशन, आपने देखा होगा कि सर कैबिनेट जो मिशन है ना ये भारतीय संविधान सभा के लिए इम्पोर्टेड था, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन किया था ये कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया था, और कैबिनेट मिशन योजना जो बनी थी ये 24 मार्च आपके 1946 के अंदर बनी थी, 24 मार्च 1946 के अंदर इसका गठन किया गया था। लेकिन इस ऑप्शन में कहीं पे भी राइट उत्तर नहीं दे रखा, तो माफी चाहता हूँ, ये हमारे टेक्निकल विद्यार्थी या टेक्निकल हमारे जो व्यक्ति उसने ये गलत कर दिया। तो इस क्वेश्चन यानी कि 11वें का जो राइट उत्तर होगा ये आपका मार्च 1947 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बोनस अंक देखने को भी मिलेंगे। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया कि दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का एक सीमांत सागर है? तो दक्षिणी जो चीन सागर है ये याद रखना पूरे विश्व यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर आपके जलीय क्षेत्र में सबसे बड़ा सागर गिना जाता है। कि प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो आपको बताना है दक्षिणी चीन सागर है, और यह उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तब भी आपको क्या बताना है कि सर प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा सागर आपसे पूछ ले तो आपको उत्तर क्या करना पड़ेगा, दक्षिणी चीन सागर आपको बताना पड़ेगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवने क्या कहलाती है? उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवने, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, हालांकि ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इन्हें दक्षिणी गोलार्ध में पशुआ के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन संख्या यानी कि 13वें क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा वह ऑप्शन संख्या आपके सी बिल्कुल राइट रहेगा। इससे पहले 12वें क्वेश्चन का ए उत्तर राइट था। ये क्वेश्चन लगाते रहना अपने कॉपी पेन में। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर के बीच में स्थित है भाई साहब, ये बताना है। यानी कि ज्योग्राफिकल यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड भारत की सामान्य परिचय से एक क्वेश्चन बन गया कि भारत की लंबाई पूछी जा रही है उत्तर से दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर के ओर फैला हुआ है भारत। ऑप्शन में दिए गए 3122 किलोमीटर, 3344 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3426 किलोमीटर। याद रखना जो आपके इसकी भारत की लंबाई है ये 3214 किलोमीटर की लंबाई आपने को देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन संख्या आपके 14 का जो राइट उत्तर मिलेगा वह सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वहीं पे आपके चौड़ाई की कई बार बात कर ली जाती है कि जो चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर आपको बतानी है। चौड़ाई का प्रश्न भी पूछा जाता है, जब लंबाई चौड़ाई आपको देखने को मिलती है तो आपका राइट उत्तर बन जाएगा कि सर भारत की जो लंबाई चौड़ाई है ये आपके 3214 लंबाई और 2933 चौड़ाई है, इन दोनों को मिलाकर आप भारत का क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। तो मनीष का बिल्कुल राइट उत्तर आया है। अगले क्वेश्चन को देखिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान एव संगठन के द्वारा बनाया गया सौंपा गया, उस प्रश्न उसका राइट उत्तर बताना, यानी कि जल ड्रोन कौन सा है आपको ये याद रखना, आई फोफ टूना। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा ये आपके डी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को बनाया था, इससे दो प्रश्न आपको ध्यान देने। क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आपको बताना है, विश्व कैंसर दिवस के साथ साथ आपको याद रखना एक बाल कैंसर, बाल कैंसर, तो बाल कैंसर जो दिवस है वो किस तारीख को मनाया था, तो बाल कैंसर दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये किस तारीख को मनाया था, बाल कैंसर दिवस। अभी हमारे बीच में जुड़े हैं गुड राम राम गुरुजी, राम राम भाई साहब, तो सभी विद्यार्थियों से दोबारे से अपील है कि आप सेशन को दबा के शेयर करें। लाल लाला लाडलो सुन लो, कहना मान लो, कभी तो सुन लिया करो, ठीक है ना। क्लास को चले कम से कम 25 मिनट हो गई है और पता नहीं कहां भटक रहे हो आप, फिर बोलते हो गुरुजी पेपर में नंबर 2 आते हैं। इस हालात रहेगा ना तो पेपर में नंबर 2 भी नहीं आएंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, लाखों विद्यार्थी पेपर देंगे,
आपका नंबर कहाँ आएगा भाई साहब, क्योंकि आप पढ़ाई पे हो ही नहीं, डेडिकेशन ही नहीं हो बिल्कुल भी। कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, घूम लो, ये दिन तो सभी में आएंगे, देख लेना। आज मैं आपके सामने बक रहा हूं ना, तो कल को आप नहीं लगे तो इस प्रकार आपको बकना पड़ेगा। तो सभी से भाई हाथ जोड़ के विनती है, लो भाई हाथ जोड़ दिए, फिर बोलो गुरुजी हाथ नहीं जोड़े, लो भाई मैं जोड़ता हूँ आपके हाथ, और ज्यादा करोगे तो आपके पैर पढ़ लेता हूँ, करूँ क्या? आप पढ़ते तो नहीं हो बिल्कुल भी, क्यों बोलता हूँ मैं इतना, कभी तो कहना मान लो। आपको पता है क्लास 7:30 बजे शुरू हो गई थी मॉक टेस्ट की, तो आपको लगाना है और काम में बहुत आगे रहते हो भाई साहब। उसका मैसेज आ गया उसको रिप्लाई पहले देंगे, उसका फोन आ गया हाँ खाना हो गया उसको पहले बताएंगे कि हाँ मैंने खाना कर लिया, आप भी खाना खा लो। हाँ अब आप सो रहे हो क्या? अब मैं भी सो रहा हूँ। वो काम जरूरी है, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन हमारी जो स्टडी, आपकी जो क्लास है, ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कभी नहीं चलती, और जब तक ऐसे नहीं चलेगी ना, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी भैया। तो जो विद्यार्थी बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो बिल्कुल उसको मंजिल मिल जाएगी दोस्तों। आपने देखा होगा कि आपके साथ वाले लग जाते हो और आप रह जाते हो, तो आप उसके मुंह की साइड देखते हो, हाँ पैसे दिए होंगे, सेटिंग करी होगी इसने पेपर की, तब लगा है, पढ़ता तो हम भी तो पढ़े थे, हम नहीं लगे, आप पढ़े थोड़ी थे, ठीक है ना? तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया? विश्व कैंसर दिवस की बात की जाए, तो विश्व कैंसर दिवस के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि बाल कैंसर दिवस किस तारीख को बनाया था। तो बाल कैंसर दिवस बनाया जाता है आपके 15 फरवरी को। कब बनाया जाता है? 15 फरवरी को। वहीं पे प्रश्न दिया गया कि विश्व कैंसर दिवस की अगर बात की जाए तो 4 फरवरी को। तो यानी कि क्वेश्चन संख्या 16 का जो राइट उत्तर बनेगा वह आपके ऑप्शन संख्या ए बनेगा। तो अभी तक कितने विद्यार्थियों ने 16 में से कितने सही किए हैं ये देखेंगे भाई साहब। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो बालिका दिवस याद रखना, सन 1966 के अंदर हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो बनी थी, उसका नाम आता है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ ग्रहण की थी, वह आपके 24 जनवरी को शपथ ली थी, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका, तो अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये याद रखना 11 अक्टूबर को आता है। कब आता है भैया? 11 अक्टूबर को। लेकिन यहां पे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा है, तो प्रश्न संख्या 17 का जो राइट उत्तर होगा वह ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल राइट रहेगा, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए। वह देश जिससे भारत AK-123 राइफल की खरीद करेगा, यानी कि कर चुका है, और ये किससे कर चुका है भाई साहब? आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रूस। क्या हो जाएगा? रूस। तो क्वेश्चन संख्या 18 का जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन संख्या ए इसका बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नामक जो प्रथम नौसैनिक युद्ध अभ्यास का संबंध किस देश से है भाई साहब? तो ये आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा 19वें का, तो वह एक आपके सऊदी अरब, यानी कि अल मोहम्मद अल हिंदी, यानी कि 2021 में नामक एक नौसेना, एक आपके क्या युद्ध अभ्यास है, ये किनके बीच? भारत और सऊदी अरब के बीच। अगले प्रश्न के बीच, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जैव विविधता पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? भारतीय जैव विविधता से रिलेटेड एक इसका दिवस पूछा जाता है, तो भारतीय जैव विविधता या जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को। लेकिन इसके सम्मान का जो पुरस्कार चलाया गया था, ये कब चलाया गया था? तो राइट उत्तर यहां पे क्या होगा, 2001 में, या 1991 में, या 2012 में, या 1995। तो राष्ट्रीय यानी कि भारतीय जैव विविधता पुरस्कार की जो शुरुआत की जाती है, ये 2001 से और 2002 के बीच में। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, यानी कि 20वें का जो राइट उत्तर होगा वह ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो की जाती है, ये दक्षिण अफ्रीका में की जाती है 1894 के अंदर। कब की जाती है? 1894 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी, और ये कहाँ की गई थी? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और दक्षिण अफ्रीका का जब नाम आ जाए तो एक ही व्यक्ति का उत्तर हमें याद रहता है दिमाग में, क्योंकि वहां पे कौन गए थे? महात्मा गांधी। कौन गए थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर आपके लिए क्या रहेगा? महात्मा गांधी।
अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है, इस क्वेश्चन का फटाफट से राइट उत्तर बताइए दोस्तों क्या रहेगा। करें भाई फटाफट से कमेंट करें। तो पितृहंता वंश के रूप में किसे जाना जाता है, फटाफट से बताइए दोस्तों। किसी का जवाब नहीं है अभी तक, ना मनीष का, अभी का, अनुज का, अर्जुन सॉरी, फिर शिवनाथ भी जुड़े हैं क्लास में, कोई जवाब नहीं दे रहा। इससे तो ये लगता है कि आप पढ़ाई से बहुत ही पीछे जा रहे हो। राहुल चौधरी ने उत्तर दिया कि सर ए ऑप्शन, शिशु नाग वंश नहीं आएगा। शिशु नाग वंश से पहले आपके वंश था नंद वंश, और नंद वंश से पहले वंश था हर्यक वंश, और हर्यक वंश का जो पहला राज्य राजा था उसका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा था अजाशत्रु, और अजाशत्रु का बेटा था उदाइन। उदाइन ने अपने बाप यानी कि अजाशत्रु की हत्या की, और अजाशत्रु ने अपने बाप यानी कि बिंबिसार की हत्या की। यानी कि पितृहंता वंश के रूप में किस वंश को पढ़ा जाता है आपके, हर्यक वंश को। तो यानी कि ऑप्शन संख्या 21वें का बी राइट रहेगा उत्तर। भाई साहब बता दिया आपको, याद रख लो दोस्तों, बार बार बताना ना पड़े कि पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है हर्यक वंश, और हर्यक वंश के पहला जो शासक था उसका नाम आता है बिंबिसार, दूसरा था आपके अजातशत्रु। और भारत का अजातशत्रु किसे बोलते हैं, सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताइए, भारत का अजातशत्रु किसे कहा जाता है? अगले प्रश्न को देखिए भाई साहब, क्या दिया गया कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नबार्ड, और इस नबार्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में पड़ता है। नबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 12 जुलाई 1980 को, या 12 जुलाई 83 को, 82 को, या 85 को, फटाफट से कमेंट करें सारे विद्यार्थी। हाँ साहिल हमारे बीच में जुड़े कि सर मेरा सही है, बिल्कुल साहिल आप पढ़ते हो, होनहार विद्यार्थी हो आप बिल्कुल। तो इस राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी ये याद रखना, 12 जुलाई 1982 को, इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। तो क्वेश्चन संख्या 22वें का जो आपके राइट उत्तर हो जाएगा वह सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए कि आत्मीय सभा के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1815 में। आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, जिसका नाम बाद में चलकर ये बाद में बन गया आपके 1828 में, जिसे कहा जाता है ब्रह्म समाज। क्या बोलाता है? ब्रह्म समाज। अब तो बता दो कि ब्रह्म समाज या आत्मीय समाज की नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। वेरी गुड भाई, दीपक ने उत्तर दिया है कि सर इसका राइट उत्तर बनेगा राजा राम मोहन राय। क्या बनेगा? राजा राम मोहन राय, जिसे पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी गई थी ये मुगल शासक अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर मैं पढ़ूंगा यानी कि क्वेश्चन संख्या 23वें का जो उत्तर है वो कौन सा राइट है, सी उत्तर इसका बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिए गए, भीम बेट का रोक आश्रम किस भारतीय राज्य में? याद रखना दोस्तों, आपके प्रयाग ऐतिहासिक काल में निर्मित आपके सबसे पुरानी गुफा है ये भीम बेट का,
और भीमबेटका भारत के किस राज्य में पड़ती है, इस क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछ रहा है। तो 24वें क्वेश्चन का राइट उत्तर बताइए फटाफट से, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? साहिल ए टू जेड गलत नहीं करते, तो शिवनाथ का उत्तर है बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश के झा यानी कि धार जिले के अंदर स्थित है भीमबेटका। तो ऑप्शन संख्या ए इसका बिल्कुल राइट रहेगा। वहीं पे कई बार प्रश्न आता है कि एलोरा की, अजंता की, कनेरी की और आपके एलिफेंटा, ये चारों गुफाएं किस राज्य के अंदर है, और एक गुफा और बता दो, अमरनाथ गुफा मंदिर, ये भारत के किस राज्य क्षेत्र या राज्य के अंदर है? अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य क्षेत्र में है? एलोरा की और कनेरी की, एलिफेंटा और अजंता, ये चारों जो गुफा समूह है ये किस राज्य के अंदर है? फटाफट से बताइए सारे विद्यार्थी जितने भी लाइव देख रहे हैं सेशन को। एमपी तो सही है भाई साहब, मैंने पूछा क्या है वो तो बता दो, जो पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहे आप। मैंने पूछा है आपसे एलोरा की, अजंता की और कनेरी की और एलिफेंटा, ये चारों गुफा पड़ती है महाराष्ट्र में, और अमरनाथ गुफा पड़ती है, आपको ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ गुफा मंदिर। अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन संख्या 24 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वह शख्सियत जिसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, किस व्यक्ति का जो उपनाम है वो क्या है, कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए किसे कहा जाता है। ऑप्शन संख्या में दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन, मैसूद, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। प्रश्न क्या पूछ रहा आपसे, किसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मलिक भी कहा जाता है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो पोलो या चोगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो मोहम्मद गोरी का एक क्या था, गुलाम था, जिसने दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश की नींव रखता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जबकि कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है इल्तुतमिश, लेकिन कुतुब मीनार की तीसरी सॉरी चौथी और पांचवी मंजिल का जो निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। हाँ, दीपक और अर्जुन दोनों का राइट उत्तर है ऑप्शन संख्या ए। जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें दोस्तों आप। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, तो प्रश्न संख्या आपके 25वां हो गया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था आपके, तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कब प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन संख्या बताने आपको, तो यानी कि जो राष्ट्रीय पंचांग है इसकी शुरुआत कब की जाती है, ईसा पूर्व, तो याद रखना ये ईसा पूर्व या आपके गलत है तो आपको यहां बताना है ईस्वी, क्या बताना है, कौन सी ईस्वी के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, कौन से ईस्वी के अंदर, 71 वर्ष, 78 वर्ष और 68 और 61 वर्ष, तो बताना आप। राष्ट्रीय पंचांग की जो शुरुआत होती है ये आपके 78 ईस्वी के अंदर हुई थी, कब हुई थी, 78 ईस्वी के अंदर, और इस 78 ईस्वी के समय भारत का यानी कि कुषाण वंश में जो राजा था वो था राजा कनिष्क, आपको ध्यान देना है। तो यानी कि क्वेश्चन संख्या 26वें का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन संख्या आपके सी रहेगा, जिसे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 1957 में मान्यता दी गई थी 22 मार्च को। भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए के नए प्रतीक यानी कि जो आपको इस प्रकार का सिंबल नजर आ रहा है, इसका प्रतिपादन यानी कि इसका डिजाइनर या वास्तुकार कौन था और ये किस वर्ष दिया गया था दोस्तों, तो यानी कि भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए का जो सिन आप
सिंबल आपको नजर आ रहा है, इस सिंबल का आपको बताना है वास्तुकार डिजाइनर कौन था। तो याद रखना गुवाहाटी के एक व्यक्ति थे जिसका नाम आता है डी उदय कुमार, डी उदय कुमार आपको बताना है। लेकिन इस सिंबल को जो आधिकारिक रूप से अपनाया गया था ये 15 जुलाई 2010, और मुद्राओं को अपनाना या मुद्राओं का प्रचलन रोकना, बंद करना, छपाई, ये सारा कार्य किसका होता है? आप बोलोगे सर ये कार्य होता है आरबीआई बैंक का। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आरबीआई बैंक की स्थापना आपको बतानी है फटाफट से। तो क्वेश्चन 27वें का जो राइट उत्तर मिलेगा वो आपको बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की जाती है दोस्तों? दीपक चौधरी ने उत्तर दिया सर इसका बी उत्तर बिल्कुल राइट है भाई। दीपक भी, शिवनाथ, साहिल और अर्जुन दोनों सही हैं, 15 जुलाई 2010 को। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे आप, आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की जाती है? आरबीआई बैंक की स्थापना, आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी गुरुजी 1 अप्रैल 1935, और तब इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता। 1935 के बीच में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शहर में स्थापित कर दिया, जो आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि दार्शनिक पुस्तक, पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताना है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? तो क्वेश्चन संख्या 28वें का आपको राइट उत्तर देना है, स्वामी दयानंद, सॉरी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, या स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु होते थे। बताइए दोस्तों क्या दिया गया है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? फटाफट से कमेंट करें। ये सभी का देखूंगा जितने भी सेशन में लाइव जुड़े हुए हैं। डी उत्तर बता रहे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तुक्के मारने में इनको एक शील्ड दी जाएगी, बहुत बड़ी ट्रॉफी, कम से कम भी 6 फुटी ट्रॉफी शील्ड मिलेगी जो भी जो विद्यार्थी तुक्का मारता है। प्रश्न पढ़ा रखा ये, अब पढ़ी हुई चीजें बोलोगे तो भाई साहब मेरे पास तो जन्म गुट्टी नहीं है। तो याद रखना जो सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक लिखी थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। इस स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस समाज की स्थापना की जाती है? समाज बताइए, दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की नींव रखी थी दोस्तों? किस समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा? मनीष का राइट उत्तर आया, प्रदीप का भी राइट उत्तर आया है, और चौधरी राहुल का भी राइट उत्तर आया है, लेकिन यहां पे कई होनहार विद्यार्थी आउट होते हुए। बताइए क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से समाज की नींव रखी गई थी? खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब देखते कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ते। अब आएगा मजा मैदान में। सत्यार्थ, वेरी गुड, दीपक ने उत्तर दिया है, क्योंकि दीपक पढ़ने लग गया भाई साहब। दीपक बोल रहा है कि सर इसने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी भैया? आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना कौन करता है? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में, और ये की गई थी मुंबई के अंदर। कहाँ की गई थी? मुंबई के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। तो क्वेश्चन संख्या आपके कौन सा था, 27 था 28 था वो देख लेना। प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर किस जगह पे स्थित है? तो यानी कि प्रश्न संख्या 29वें का राइट उत्तर बताना आपको फटाफट से। तिरुपति, जिसे तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना था, तिरुपति बालाजी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बताइए दोस्तों फटाफट से। मनीष का उत्तर आया ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, हाँ बिल्कुल राइट उत्तर है, आंध्र प्रदेश में। और एक आपसे बात पूछूं कि इस आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? राज्य का दर्जा
दर्जा, इसे राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन देता हूं, 1953 में, 1950, 1953, 1956 और 1960 में। तो इसे किस वर्ष में राज्य का दर्जा दिया गया था ये बताना आपको। ये भारत का राज्य किस वर्ष बना था आपके आंध्र प्रदेश? फटाफट से कमेंट करें। दीपक ने उत्तर दिया है कि सर 1953। बिल्कुल सही है दीपक, बहुत उत्तर दे रहा है भाई साहब आज। हाँ 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला भाषाई आधार पर राज्य था, जबकि इस राज्य का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन संख्या 30वें का राइट उत्तर बताइए। दक्षिणी ध्रुव के आसपास का जो क्षेत्र है, ये आपका ग्लोब है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव जिसे साउथ पोल बोलते हैं, इसके आसपास के क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? शिवनाथ का भी सही है 1953, अर्जन का भी सही है 53 और प्रदीप का भी सही है 53। आर्कटिक, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा या मकर रेखा? तो यानी कि साउथ पोल के आसपास जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, जिसे हम अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से पुकारते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या आपके बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, बर्फीला महाद्वीप कहा जाता है और ये वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, और इस महाद्वीप में मनुष्य निवास नहीं करता, इसलिए प्रश्न बनता है कि 7 महाद्वीपों में से कौन से महाद्वीप को जनशून्य महाद्वीप कहा जाता है, जहां पे व्यक्ति निवास नहीं करते, अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। एक प्रश्न और याद रखना, महाद्वीपों में सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछे तब ये नहीं बताना, क्योंकि यहां पे तो जनशून्य व्यक्ति तो है ही नहीं, तो व्यक्ति जहां कम है तो बताना आपको ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछ ले आती तो एशिया आपको बताना पड़ता है। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिए गए, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया था? कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में भारत के अलग अलग क्षेत्रों से भारतीय व्यक्तियों के द्वारा नेतृत्व किया गया, जैसे मंगल पांडे का जो नेतृत्व हुआ था वो कहाँ से? आपके बैरकपुर छावनी, जिसे अंग्रेजों की एक छावनी का नाम था, जिसे हम 34वीं NI नेटिव इन्फेंट्री के नाम से पुकारते थे, जो कलकत्ता में स्थित है। मंगल पांडे ने यहाँ का नेतृत्व किया था। वहीं पे दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खान, उसका सेनापति था। वहीं पर आपके झांसी का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई, जिसे मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। वहीं पे ग्वालियर का नेतृत्व किया था तात्या टोपे, जिसका वास्तविक नाम आता है रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब के द्वारा नेतृत्व किया गया था कानपुर का, जबकि लखनऊ का नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल का दोस्तों। और वहीं पे आपसे क्या पूछ रहा है, पटना का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो याद रखना, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, यानी कि राजपुत्र कुंवर सिंह के द्वारा। तो उत्तर संख्या 31वें का राइट उत्तर क्या मिलेगा आपको? भी इलाहाबाद का नेतृत्व किया था लियाकत अली के द्वारा, ठीक है ना, लियाकत अली के द्वारा। राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से शुरू होती है? तो विद्यार्थी कमेंट बताना। भारत के अंदर क्रांति की जो शुरुआत होती है वह याद रखना मेरठ के अंदर होती है, जबकि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है तो कमेंट कर सकते हो आप। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के उपरांत गांधी जी को कैद किया गया था? अब गांधी जी को कहां पर कैद कर लिया था दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइए सारे विद्यार्थी। प्रश्न संख्या आपके 32 का राइट उत्तर क्या मिलेगा? ध्यान
जिसको सिलेक्शन ले रहे हैं तो सेशन को पूरा देखिए दोस्तों, जिसको सिलेक्शन नहीं लेना तो फोन को बंद करके सो सकता है। बताइए दोस्तों फटाफट से, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है ये किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। तो भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव दिया गया था ये 8 अगस्त 1942 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से की जाती है, जिसका नाम आता है महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी को यहां पर क्या कर लिया, कैद कर लिया और इसे मुंबई की आगा खा पैलेस के अंदर इसे गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन संख्या आपके सी सही है, राहुल चौधरी दीपक का सही है, बिल्कुल ठीक भाई साहब। हाँ राजवीर गुजर ने भी उत्तर दिया है, सी उत्तर बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन संख्या 3300 का जो सी उत्तर आएगा भाई, इसका बिल्कुल राइट उत्तर है आगा खा पैलेस, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगा खा नामक आपको एक ट्रॉफी दी जाती है जो किससे संबंधित है, हॉकी से। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि शिलालेखों की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन में दिया गया एपिग्राफी, सीजीग्राफी, डेमोग्राफी या आपके जायोलॉजी ग्राफी, फटाफट से बताइए भाई। शिलालेखों के अध्ययन को किस रूप में हम पहचानते हैं, ए ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन का उत्तर दिया गया है कि एपिग्राफी, बिल्कुल एपी एपी जो ग्राफी है वो आपके शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। अशोक के द्वारा जो शिलालेख कितनी संख्या में पढ़ते हैं हम, 14 शिलालेखों में पढ़ते हैं, लेकिन अशोक के कौन से शिलालेख के अंदर, अशोक का एकमात्र जीवन का युद्ध था जिसे हम बोलते कलिंग का युद्ध, वो कलिंग का युद्ध कौन से शिलालेख में मिलता है। और शिलालेखों को पढ़ने का सबसे कार्य जो सबसे पहले किया था यह जेम्स प्रिंसेप्स के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 33वें का जो राइट उत्तर होगा वो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है। गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, मंत्रों में अगर बात की जाए तो सबसे पुराना, सॉरी आपके वेदों में सबसे पुराना वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद आपको मिलता है, जबकि नए वेद की अगर बात की जाए तो अथर्ववेद आपको ध्यान देना है। यहीं पे गायत्री मंत्र का उल्लेख कर रहा है दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर मिलेगा आपको, यानी कि 34 का जो राइट उत्तर है वह आपको याद रखना है ऋग्वेद में। ऑप्शन संख्या सी इसका बिल्कुल राइट है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या अक्सर पूछता है, कितने मंडल आपको देखने को मिलते हैं, मंडलों की संख्या, तो मंडलों की संख्या आपको बतानी है, कमेंट कर सकते हो। दीपक ने उत्तर दिया है सर इसका ऋग्वेद आएगा, बिल्कुल ठीक है, रोयाल नाम के व्यक्ति ने भी दिया है और राहुल चौधरी ने भी उत्तर दिया कि सर इसका उत्तर सी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, 10 मंडल आपको देखने को मिलते हैं। तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर किस ने बनवाया था, ये अच्छा प्रश्न है, तंजोर का, और ये तंजोर कहाँ पड़ता है, तो राइट उत्तर होगा आपके तमिलनाडु में। तंजोर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, और इस मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है, फटाफट से कमेंट कर सकते हो। बी बी बता रहे कि उत्तम चोल के द्वारा, भाई साहब ये प्रश्न पढ़ा रखे हैं, थोड़ी सी मेमोरी को बूस्ट करें, याद करें, पुराने वीडियो को दोबारे देखें, तो राजा राज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, यानी कि 35 का राइट उत्तर क्या मिलेगा आपको, ए ऑप्शन। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, राउल केला और दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा ये स्थापित किए गए थे, कि भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई थी, वह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे।
ऑप्शन में दिया गया है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला पड़ता है आपके उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से इस प्लांट की स्थापना की गई थी, लौह इस्पात कारखाने की। वहीं पे दुर्गा पर्व पड़ता है आपके कलकत्ता में, ब्रिटेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। एक आपको मिलता है बिलाई लौह इस्पात कारखाना, जो वर्तमान में आपके कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, जिसकी स्थापना रूस के द्वारा की गई थी। ये तीनों लौह इस्पात कारखाने आपके स्थापित किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। कब किए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। तो क्वेश्चन संख्या 36 का जो राइट उत्तर होगा वह बी, बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा एक क्या है, भूगोलिक क्षेत्रफल है, और ये जादूगोड़ा आपके पड़ता है झारखंड के अंदर। और भारत का एकमात्र प्रसिद्ध जो क्षेत्र है जादूगोड़ा, वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भैया? यूरेनियम के लिए। यानी कि ऑप्शन संख्या आपके क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट, याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिए। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलूरू झील आपको बताना है जो आंध्र प्रदेश, सॉरी हैदराबाद और आपके सिकंदराबाद, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में स्थित है, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। ये मीठे पानी यानी कि स्वच्छ जल या ताजा जल की झील है दोस्तों, ध्यान देना। तो प्रश्न संख्या 38 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह आपके आंध्र प्रदेश आपको बताना है। क्या बताना है? आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन ज्यादा होता है दोस्तों। ऑप्शन संख्या बी बताया है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा। बताइए भाई फटाफट से। गुजर, राजवीर बी उत्तर, और अनुज बी उत्तर। यानी कि जो नमक उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका राइट उत्तर मिलेगा यहाँ पे गुजरात। लेकिन झीलों के द्वारा, भारत में झीलों के माध्यम से सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है? राजस्थान में। लेकिन तटवर्ती एरिया जो सबसे ज्यादा तट लगता है वो गुजरात का लगता है, अरब सागर के साथ। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या बी, बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो गंगा नदी है ये बांग्लादेश में किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन में दिया गया जमुना, पद्मा, मेघना या आपके कालिंदी। फटाफट से बताइए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस रूप से जाना जाता है? डीडवाना, राजस्थान। दीपक चौधरी कह रहे हैं कि डीडवाना, राजस्थान। तो राजस्थान में झीलों के माध्यम से सबसे ज्यादा जो नमक उत्पादन करती है उसका नाम है सांबर झील। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसमें भैया? पद्मा। जबकि ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या बोलाता है? जमुना कहता है। जब पद्मा और जमुना आपस में मिलती है तब क्या कहलाती है आपके ब्रह्मपुत्र नदी? उसे मेघना बोलते हैं। तो यहाँ का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन संख्या आपका बी राइट है, यानी कि 40वें क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि भारत का मानक समय जो ग्रीनविच माध्यम ये कितने घंटे आगे, यानी कि भारत का जो मानक समय रेखा है उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और जो विश्व का समय रेखा उसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। और इन दोनों के बीच में समय अंतराल पूछ रहा है कितने घंटे का है, और भारत इस समय से यानी कि विश्व के समय से कितने घंटे आगे है। ये प्रश्न तो सभी का सही होना चाहिए, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताइए फटाफट से। शिवनाथ बता रहे हैं कि सर बी उत्तर, कोई बता रहा है बी, डी उत्तर बताया मनीष ने, अर्जुन अनुज या अर्जुन नाथ बता रहे हैं सी उत्तर,
और दीपक लिख रहे हैं सर 5, याद रखना भाई ये 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे आगे है, ये आपको मैंने बताया भी था फिर भी याद नहीं रखते। एक देशांतर से दूसरे देशांतर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। अब पृथ्वी 82.5 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? तो बोलोगे गुरुजी ये 330 मिनट में घूमेगी, और 330 मिनट का छोटा रूप होता है 5 घंटे 30 मिनट। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए भाई साहब फटाफट से। प्राचीन काल में यानी कि प्रश्न संख्या 41 का डी उत्तर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखिए फटाफट से, 42वें प्रश्न का उत्तर बताइए कि प्राचीन काल में सामग्री लिखने के जो स्रोत थी उसकी भाषा बतानी है प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल की जो भाषा है वो फटाफट से कमेंट करें, संस्कृत, ब्राह्मी, पाली, खरोष्टी। हाँ, ए बता दो, बी बता दो, या आप सर आप आपस में डिसाइड कर रखा है, कोई ए देगा तो हम बी देंगे। याद रखना प्राचीन काल की जो भाषा थी वो कौन सी थी आपके? पाली। ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। धातु से बने सिक्के का सबसे पहले जो उपयोग किए गए थे, धातु से निर्मित जो सिक्के थे ये किस काल में चले थे? आपने देखा होगा धातु से सबसे ज्यादा जो धातु में स्वर्ण जो मुद्राएं देखने को मिली ये गुप्त वंश में मिलती है, यानी कि 43वें प्रश्न का जो अपना राइट उत्तर हो जाएगा वह आपके उत्तर वैदिक नहीं, यहाँ पर आपको बौद्ध काल में, यानी कि यहाँ पे गुप्त काल नहीं है तो इसका राइट उत्तर होगा आपको बौद्ध काल में हमें देखने को मिलती है, तो राइट उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि काली बंगा किस प्रदेश में स्थित है? काली बंगा किस प्रदेश में स्थित है? ये प्रश्न आप सभी को मैं देता हूँ भाई साहब, प्रश्न संख्या 44वें का राइट उत्तर सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में लिखने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न इतना हार्ड नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया कमेंट सेक्शन के लिए, छोड़ो अगले प्रश्न को। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता का नाम बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये नगर एक सभ्यता थी, कृषि सभ्यता थी, या मध्य पाषाण थी, या पूरा पाषाण थी? याद रखना दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है, जिसे हम कांस्यकालीन सभ्यता के रूप से भी पढ़ते हैं, इसे हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 45वें का जो राइट उत्तर होगा वह ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय प्रतीक चिन्ह पर उत्कीर्ण। अब भारत का जो प्रतीक चिन्ह आपको मिलता है उसके ऊपर एक उत्कीर्ण क्या चीज है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? सत्यमेव जयते से लिया गया है, और भारत का जो प्रतीक चिन्ह है उसका नाम आता है अशोक स्तंभ। क्या नाम आता है? अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ के ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो भारत रत्न के पीछे लिखा हुआ है, और ये सत्यमेव जयते को किस उस उपनिषद से लिया गया है? तो आप बोलोगे मुंडोक उपनिषद। उत्तर संख्या आपका डी इसका बिल्कुल राइट है, यानी कि 46वें प्रश्न का डी इसका बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए, महा भारत का प्रारंभिक नाम बताना, यानी कि इसका प्राचीन नाम पूछ रहा है महाभारत का। तो महाभारत सबसे बड़ा आपका क्या है? महाकाव्य है, वेद व्यास के द्वारा इसका लिखने का कार्य किया गया। तो महाभारत का जो प्राचीन नाम आता है वो आपको ध्यान देना है, जय सहिता। उत्तर संख्या सी, तो 47वें का सी बिल्कुल राष्ट्र। हमारे 3 क्वेश्चन रह गए मॉक टेस्ट के। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? कई बार क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान में 1500 से ऊपर स्थल खोजे गए, जिसमें से लगभग 400 से अधिक आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? पाकिस्तान में, और 1000 से अधिक भारत में, और 2 स्थल आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? भाई ये लोथन नहीं, लोथल आपको याद रखना है जो गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा की अगर बात की जाए तो ये भारत में पड़ता है। आलमगीरपुर की अगर बात करें तो ये आपके मेरठ में पड़ता है, जबकि हड़प्पा की अगर बात की जाए तो ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसका उत्खनन करवाया गया था रावी नदी के तट पे, और R37 नाम का यहां पे क्या मिला हुआ है? कब्रिस्तान मिला हुआ। तो यानी कि प्रश्न संख्या 48वें का डी राइट रहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा है दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा, संवैधानिक जो सलाहकार था दोस्तों ये याद रखना BN राव। कौन था भैया? BN राव। उत्तर संख्या आपके सी इसका बिल्कुल राइट रहेगा। तो आज के मॉक टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताओगे कि सर मेरे 50 में से कितने राइट हैं।
फटाफट से बताओगे किस विद्यार्थी के कितने क्वेश्चन राइट है, और जिसने वीडियो को पूरा देखा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी प्रकार आपको SSCGD, यूपी पुलिस और आगामी एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो फटाफट से। क्या दिया गया कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, और स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा का गठन किया गया था ये कब किया गया था? तो बताओगे सर 17 अप्रैल 1952 को, जिसकी पहली मीटिंग होती है 13 मई 1952 को। और इस मीटिंग का जो पहला क्या पूछा गया, स्पीकर पूछा गया, स्पीकर कौन था? वेरी गुड भाई, उत्तर बताया कि सर बी उत्तर आएगा इस ऑप्शन का, रवि राय नहीं, इसका उत्तर आएगा जीवी मावलंकर। क्या आएगा भैया? जीवी मावलंकर आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष था जीवी मावलंकर, जबकि वर्तमान में लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा, और जिसका अध्यक्ष है ओम बिड़ला, जो मई और जुलाई या जून के बीच में समाप्त हो जाएगी जो 18वीं लोकसभा, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं आपने देखा होगा, उसके प्रचार के लिए तो राम मंदिर का भी उद्घाटन कर दिया, और जो पूर्ण रूप से अभी तक तैयार नहीं हुआ। छोड़ो इन बातों को, हमारे लिए तो भगवान राम बहुत ही आपके लिए वरदान रहेंगे 2024 के लिए, जो मानता है और दिल से माने और तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि 2024 में आपके सपने पूरे होने वाले हैं दोस्तों। तो किस किस विद्यार्थी के 50 में से कितने क्वेश्चन राइट है? जिसने मॉक टेस्ट एक नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी देखे और इसको भी देखे। तो जुड़े रहें अपने चैनल से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।